हमारे प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश प्यार का सबसे बड़ा उपहार। 18 जनवरी 2022, हम तो सबके सब बेड़ों के समान भटक गए थे। यशिया अध्याय 53 पद 6। मेरा बेटा जॉब एक दुकान से बाहर आ रहा था जब उसने ज़मीन पर एक बैसाखी अपाहिज का सहायक पड़ी हुई देखी। मुझे आशा है कि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मदद की ज़रूरत है, उसने सोचा। उसने इमारत के पीछे देखा और फुटपाथ पर एक बेघर व्यक्ति को बेहोश पाया। जोफ ने उसे जगाया और पूछा कि क्या वह ठीक है। मैं खुद को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। तूफान में मेरा तंबू टूट गया और मैंने सब कुछ खो दिया। मैं जीना नहीं चाहता। जॉब ने एक मसीही पुनर्वास सेवकाई को बुलाया और जब वे मदद के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वह शीघ्र घर भागा और उस आदमी के लिए अपना कैंपिंग तंबू लेकर आया। तुम्हारा नाम क्या है, जॉब ने पूछा। जेफ्री, बेघर आदमी ने उत्तर दिया। जी अक्षर से शुरू होने वाला। जॉब ने अपने नाम या इसकी असामान्य वर्तनी का उल्लेख नहीं किया था, पिताजी, उसने मुझसे बाद में कहा। वाह, मैं हो सकता था। जो एक बार स्वयं मादक द्रव्यों के सेवन से जूझ रहा था और उसने उस व्यक्ति की मदद की क्योंकि वह उस दयालुता के कारण था जो उसने परमेश्वर से प्राप्त की थी। यशया भविष्यवक्ता ने यीशु में हम पर परमेश्वर की दया की आशा करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। हम तो सबके सब बेड़ों की तरह भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशया अध्याय 53 पद 6। मसीह हमारे उद्धारकर्ता ने हमें खोया हुआ अकेला और निराशा में आशाहीन नहीं छोड़ा। उसने हमारे साथ पहचान स्थापित करने और हमें प्रेम में ऊपर उठाने के लिए चुना ताकि हम उसमें नए सिरे से जीने के लिए स्वतंत्र हो सके। इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। आप यीशु के बिना कहाँ होते। आप किसी ज़रूरतमंद के लिए उसके हाथ और पैर कैसे बन सकते हैं। न्यायवाद यीशु, मुझे बचाने के लिए आपके खोज और बचाव मिशन में शामिल होने और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने प्यार को साझा करने में मेरी सहायता करें जिसे आज आपकी आवश्यकता है। discoveryseries.org/remade पर रीमेड इन द इमेज ऑफ जीसस पढ़े। लेखक जेम्स बैंक्स। धन्यवाद।